चलिए एक और बड़ी खबर का यहां पर रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में आज 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। कई घंटे तक इस बातचीत में कोई भी हल नहीं निकल सका है। केंद्र और किसानों के बीच में एक बार फिर से बैठक होगी 19 जनवरी को, आपको जानकारी दे दें। और साथ ही बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की सभी शंकाओं को दूर करने के लिए हम तैयार हैं, किसान मसौदा दे तो हम विचार करेंगे। वहीं कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि उम्मीद जताई जा रही है कि 19 जनवरी को जो है चर्चा आगे बढ़ सकेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि सरकार एमएसपी से भाग रही है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो वापस नहीं लौटेंगे। किसी बात की नाराजगी अंदर किसी बात को लेकर नहीं, 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 पर दूसरे जो किसान लीडर है वो बोल रहे हैं कि केंद्र की तरफ से कहा गया था कि कमेटी का गठन कर लेते हैं। हम लोग उसे दिए तो दो आदमी बात कर लो, चार बात कर लो, सारे जत्थेबंदी बात करेंगे। उनके तो 40 आदमी हुए सारे बैठ के बात करेंगे। केंद्र की तरफ से बोला गया, आपकी तरफ से कोई नई डिसीजन है वो अलग बात है। उसकी कमेटी की तो मतलब ये है कि छोटे लोग बैठ के कम लोग बैठ कर बात करें। ठीक है जी, अगला अगला प्लान क्या रहेगा फिर? बातचीत हुई कोई यही रहे कि कोर्ट में नहीं हम जा रहे, कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जा रहे और सरकार से ही हम बात करेंगे, उसी से ही कानून को वापस कर। ठीक है जी, अगला प्लान एक्शन प्लान क्या रहेगा? अगला प्लान दो ही बिंदु, एमएसपी पे कानून बने, तीन कानून वापसी। इसी कमेटी की नतीजे बात है, 50 दिन में यहां से शुरू हो रही है, यही खत्म हो रही। सर 19 जनवरी को मीटिंग के मेन मुद्दे क्या रहेंगे? दो मुद्दे रहेंगे, एमएसपी पे कानून और तीन बिल वापसी। लग रहा है कि 26 जनवरी से पहले सरकार मान जाएगी? नहीं मानना है, ऐसे कैसे मान जाएगी सरकार? फिर 26 रोड मार्च करोगे? क्या मार्च को लेकर अंदर सरकार ने कुछ कहा आपसे? नहीं नहीं, सरकार कुछ आपसे बात नहीं हुई इस बारे में? इस बारे में 18 तारीख का 19 नहीं, जो कोर्ट में कोई उदार कोर्ट का आ जाएगा, हम पुलिस से उनसे भी अधिकारी भी साथ। कोई बात नहीं हुई, कोई एक भी मसला हल नहीं हुआ, ना कानून पे ना एमएसपी। अगली तारीख 19-12 बजे कुछ नहीं निकला उसमें मीटिंग से, कोई फायदा नहीं, बेसिट्टा बात। उनको बोला के अगली बार में जब कुछ अपील करना तो तब बात करो, नहीं तो जाने दो। खास बात नहीं हुई, वही बात अटकी हुई है और 19 तारीख को 12 बजे 19 तारीख को 12 बजे अगली मीटिंग। तीन कानूनों बारे कोई गल लगे नहीं, वो एमएसपी बारे भी गल नहीं हुई, बस तीन कानूनों बारे उन्होंने यही सी कि छोटी कमेटी बना लो। असी क्या भी छोटी कमेटी साड़ी बनाने के 50 औकड़ा ने, असी छोटी कमेटी नहीं बनाई है ना बनाई है, बाकी असी अपनी मीटिंगा कर रहे हैं तो गलबात 100% विफल बेसिट्टा। नंबर तो तीनों कानूनों पर हुआ, तीनों कानूनों पर वो रिपील पर नहीं आए, वही कम संशोधन पर ही आ रहे थे पर हम माने नहीं। फिर हमने कहा भी चलो जे बात छोड़ो, आप एमएसपी पर बात कर लो। वो कहे वो कहने लगे भी आप एक छोटी कमेटी बना लो, 8-10 सदस्यों की कमेटी बना लो, हम भी 4 लोग आ जाएंगे। पर हमारे लोग हम नहीं माने, हमने कहा हमें तो 40 आदमी बात करेंगे। वो बोल रहे थे 18 तारीख को छोटे थोड़ी छोटी कमेटी बना के बात कर लो, 20 को बड़ी कमेटी के साथ हम बात कर लेंगे। पर फिर फैसला होया भी 19 तारीख को सभी लोग बात करेंगे। फिर हमने कहा भी आप एमएसपी पर बात कर लो, वो है वो लोग एमएसपी पर बात नहीं करनी चाहिए, तो वो कहने नेक्स्ट डेट को हम एमएसपी पर भी बात कर। सरकार एमएसपी से भाग रही है, ये टिकैत की तरफ से कहा। लगातार किसान नेताओं की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है वो हम आपको सुना रहे हैं और किसानों की तरफ से यही कहा गया है कि जो कृषि कानून है उनके रद्द हुए बिना हम घर वापस नहीं लौटेंगे, हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि हम सरकार से चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन कोर्ट की कमेटी के सामने हम चर्चा नहीं करेंगे। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि कानून सरकार ने बनाए हैं तो रद्द भी सरकार ही करे और हम उनसे वार्ता के लिए तैयार हैं। 19 जनवरी को एक बार फिर से केंद्र और किसानों के बीच में अगले दौर की बातचीत होगी और इस पर कृषि मंत्री ने
उम्मीद जताई है कि अगले दौर की बातचीत में चर्चा आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर किसान जो है मसौदा पेश करते हैं तो वो चर्चा के लिए तैयार, विचार करने के लिए तैयार हैं।